अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने सवाल पूछा है कि जॉन्डस हो गया या इरकान हो गया या जिसे पीलिया भी कहते हैं, इसके लिए कोई अमल है? देखें जी, पहले तो डॉक्टर से रुजू करें, दवाओं का इस्तेमाल करें, साथ जो मैं आपको एक दो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। सूरतुर रहमान बुलंद आवाज़ से मरीज के पास पढ़ें और उसके आराम में खलल ना हो, बस इस बात का ख्याल रखें। अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो क़ारी अब्दुल बासित की आवाज़ में भी लगा सकते हैं। क़ारी अब्दुल बासित का ज़िक्र मैंने ख़ास तौर पर इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क़ारी अब्दुल बासित ही की आवाज़ में सूरतुर रहमान रेकमेंड भी की है और वो इसे इलाज के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। अल्लाह ताला जानता है कि उसमें क्या तासीर है। बहरहाल, दूसरी चीज़ सूरतुल हशर आया नंबर 1, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये सूरह मुबारका की जो पहली आया है ना, आया नंबर 1, इसको 101 दफ़ा 101 टाइम्स पढ़ के पानी पे दम करके वो पानी भी मरीज को पिला सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है, अगर पिलाया जा सकता है तो। ये एक दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाज़ लोग सूरतुल बय्यिना से भी इलाज करते हैं, बाज़ लोग सूरतुल फातिहा दम करके प्यास के ऊपर उससे भी इलाज करते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें आपको, ये दो चीज़ें मैंने बता दी हैं, प्याज और दूसरे जो है वो उनको आप, मैं कहता हूँ कि अभी फ़िलहाल उन्हें रहने दें, इन दो पर अमल करें, बड़े सेफ़ भी हैं। एक पानी है और दूसरा जो है सूरतुर रहमान की तिलावत है, और पानी पर सूरतुल हश्र की पहली आया 101 दफ़ा पढ़ के दम करके वो पानी पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुबहानहु व ताला शिफा अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।